Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the very first chapter of class 3rd EVS, which is Poonam's Day Out. इस चैप्टर में आपको वेरियस एनिमल्स और बर्ड्स के कुछ फीचर्स बताए गए हैं, कौन कैसे मूव करता है, कहाँ रहता है, कैसी साउंड्स हैं एंड ऑल. तो चलिए, पहली ये वीडियो है, सबसे पहले तो आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ साथ हम लोग NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में कवर करेंगे. सो अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि नेक्स्ट टाइम आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो. ओके, चैप्टर 1 पूनम्स डे आउट. माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे, आई हैव बीन एट होम फॉर पास्ट 2 डेज. माँ प्लीज मुझे आज स्कूल जाने दो, मैं पिछले 2 दिनों से घर पर ही हूँ. आई एम गेटिंग बोर्ड, और मैं बोर हो गई हूँ, सेड पूनम. ये पूनम कहती है अपनी मदर से कि आज मुझे स्कूल जाने दो, 2 दिन से घर पर बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ. बट यू स्टिल हैव फीवर, लेकिन तुम्हें अभी भी फीवर है, बुखार है. गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, बाहर जाओ और कॉट यानी कि चारपाई पर लेट जाओ, रिप्लाइड माँ. माँ कहती है फीवर है तो स्कूल नहीं जाओगे, इसलिए बाहर जाके आराम से लेट जाओ. पूनम फेल अस्लीप ऑन द कॉट, पूनम जो है वो सो जाती है कॉट के ऊपर ही. सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, और एकदम से उसके मुंह के ऊपर कुछ गिरता है. पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक, वो उठती है और अपने चीक को टच करती है, अपने गालों को. ओह नो, हूज मिसचीफ इज दिस, ओ नो, ये किसकी मिसचीफ है, इज इट क्रोज और पिजन्स, क्रो या फिर पिजन. इट सीम्स इट क्रोज, इट सीम्स इट्स द क्रोज, ऐसा लगता है कि ये क्रो का ही है. ये देखिए ऊपर बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, हो सकता है वो गार्डन में बैठी हो, ऊपर ट्री हो, बहुत सारी बर्ड्स वहाँ पर उसको दिखी है बैठी हुई. पूनम लुक्ड अप, पूनम ऊपर देखती है. शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्रीज, उसको पेड़ के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं. विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, राइट डाउन देयर नेम्स, आपको कौन कौन से एनिमल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके नाम आपको लिखने हैं यहाँ पर. तो देखिए पिजन दिख रहा है, स्क्विरल दिख रही है आपको, उसके बाद क्रो है यहाँ पर, मंकी है, बटरफ्लाइज हैं, स्पैरोज हैं, कुकू है, एंट्स हैं, एंड ये देखिए छुपा हुआ एक पैरट भी है यहाँ पर. ओके, तो ये सारे नाम आपको यहाँ पर अपनी बुक में लिखने हैं. मैं लिखा देती हूँ, सबसे पहले है पीजन, स्पैरो, स्क्विरल, क्रो, मंकी, बटरफ्लाइज, दो है इसलिए फ्लाइज, कुकू, एंट्स, और एक और है पैरट, PARROT. ओके, सो ये सारे एनिमल्स के नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे. पूनम पिक्स अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक विद इट, पूनम जो है वो एक लीफ उठाती है और उससे अपने चीक्स को जो है वो वाइप करती है, पोंछती है. बट हर चीक्स वॉज स्टिल स्टिकी, लेकिन उसका जो चीक था अभी भी चिपचिपा था, स्टिकी था. शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड, वो सोचती है पास में एक पॉन्ड था, तालाब था, कि मैं वहाँ जाकर क्या करती हूँ, अपने फेस को धो लेती हूँ. ये देखिए पॉन्ड की आसपास की पिक्चर है. विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, पॉन्ड में के आसपास पूनम को कौन कौन से एनिमल्स दिखाई दिए. लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, पिक्चर देखिए और उनके नाम लिखिए. ठीक है, देख लेते हैं कि सबसे पहले गोट है यहाँ पर, उसके बाद टर्टल है, टॉर्टॉइस, उसके बाद ये क्रेन है, एक बफेलो है, देन ये आपके फ्रॉग्स हैं, और ये स्टॉक है. ओके, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर इन सभी के नाम. उसको गोट दिखाई दी है यहाँ पर, टॉर्टॉइस, देन क्रेन, बफेलोस, क्योंकि दो है आई थिंक, LOS. नेक्स्ट इज फ्रॉग्स, स्टॉक. ओके, ये एनिमल्स आपको यहाँ पर पॉन्ड के आसपास दिख रहे हैं. कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पॉन्ड, क्या पॉन्ड पे जो एनिमल है आप उनकी तरह एक्ट कर सकते हैं. विच एनिमल मेक वॉट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट, ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड, इनमें से 3 एनिमल की आप एक्टिंग कर सकते हैं. जैसे गोट, गोट की जो साउंड है वो मे होती है, मैं वो करती है, ये आप क्लास में करके बता सकते हैं. फ्रॉग की एक्टिंग आप कर सकते हैं, क्रॉक क्रॉक वो करता है, क्रॉक क्रॉक. और बफेलो की कर सकते हैं, ग्रंट करती है वो, इसकी साउंड को जो है वो ग्रंट बोलते हैं, ग्रंट. आप चाहो तो ये 3 लिख सकते हो और ये इनके इनको आप क्लास में एक्ट भी कर सकते हो. डिफरेंट एनिमल्स मूव
इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अलग अलग एनिमल्स एक से दूसरी जगह जाने के लिए अलग तरीके से मूव करते हैं. सम एनिमल्स वॉक, कुछ तो नॉर्मल वॉक करते हैं. सम क्रॉल, कुछ क्रॉल करते हैं. क्रॉल बोलते हैं कि अपने जो इनके लेग्स हैं वो साइड में होते हैं, चल नहीं सकते प्रॉपर उनकी हेल्प से, या फिर लेग्स होते ही नहीं है. जैसे आप स्नेक को देखें तो वो अपने पेट के बल चलते हैं घिसर के आगे की तरफ, खिसक कर, है ना. क्रॉल को हिंदी में रेंगना बोलते हैं. सम फ्लाई, कुछ उड़ते हैं. सम स्विम, और कुछ स्विमिंग करते हैं, स्विम करते हैं, तैर के चल जाते हैं. फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, कुछ एनिमल्स उनके फीट यूज़ करते हैं, कुछ विंग्स यूज़ करते हैं. सम एनिमल्स टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी है जो अपनी टेल की, पूंछ की मदद से मूवमेंट करते हैं. यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ देम. आपने भी बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे. अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको बताना है कौन से फ्लाई कर सकते हैं उनमें से, कौन से उड़ सकते हैं. इसको याद कर लेना, ये जो टेबल यहाँ पे बनाई जा रही है. पैरट उड़ सकता है, क्रो एंड स्पैरो, ये एक से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाई करते हैं. क्रॉल कौन कौन से करते हैं, लिजर्ड, स्नेक. लिजर्ड आपने देखा होगा पैरों के बल नहीं चलती, एक पैर आगे रखा फिर आगे रखा, नहीं, वो खिसक के आगे जाती है, पैर उसके साइड में होते हैं. स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल भी क्रॉल ही करता है. नेक्स्ट, कैन वॉक, कौन है जो वॉक कर सकता है, हॉर्स, बफेलो, देन काउ. कैन हॉप, कौन है जो हॉप करके चलता है, कूद के, उछल उछल के चलता है, दैट इज फ्रॉग. फुदक के चलता है, कैंगरू, कैंगरू एंड रैबिट, यस. हैव विंग्स, किन के पंख होते हैं, ईगल, पैरट, वही जोड़ सकते हैं, उन्हीं के ही पंख होते हैं, पैरट, स्पैरो, क्रो, पिजन आप बहुत लिख सकते हैं इसमें. हैव फीट, किन के पैर होते हैं, ऑक्स, काउ, डियर, एलिफेंट्स, इन सब के फीट होते हैं. हैव टेल, किन की पूछ होती है, मंकी की पूछ होती है, काउ की पूछ होती है, हॉर्स की पूछ होती है. ओके, सो ये याद कर लीजिए, कोई भी इनमें से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे. स्पेशली इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रॉलिंग का पूछ सकते हैं आपसे, और हॉप का पूछ सकते हैं, ये दो जनरली एग्जाम में आते हैं, तो इनके आगे स्टार भी लगा लीजिए, ये जरूर एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज आप कर लेंगे. नेक्स्ट, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. एनिमल्स जो है वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं. सम एनिमल्स लिव इन ट्रीज, कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं. सम लिव ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पर रहते हैं. सम लिव अंडर द ग्राउंड, कुछ अंडरग्राउंड भी रहते हैं. एंड सम फ्लाई इन द स्काई, कुछ आसमान में आपको जनरली उड़ते हुए ही दिखाई देते हैं. सम एनिमल्स इवन लिव इन आर हाउसेस, कुछ ऐसे भी है जो आपके घरों में रहते हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे आपको कुछ पिक्चर दी हुई, उनको देखिए. कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर होम, कौन कौन से हैं जो कि आपके घरों में नहीं रहते हैं, इस पिक्चर से आपको बताना है. ये थिंक आप आराम से कर सकते हैं. हॉर्स अगर घरों में रह सकता है, बिल्कुल डोमेस्टिक एनिमल है. लिजर्ड भी रहती है, माउस भी रहता है, एंड दिस इज क्रिकेट, ये इसको क्रिकेट कहते हैं, स्पेलिंग भी क्रिकेट वाली ही है इसकी, बट ये एक इंसेक्ट होता है. ओके, कॉकरोच भी आपके घर में रहते हैं, कॉकरोचेस. डॉग भी रहता है, हेन भी डोमेस्टिक एनिमल है, बट दिस ईगल ये नहीं रहती, तो इसको आप कलर कर देंगे, जो भी कलर आप इसमें करना, मैं सर्कल कर देती हूँ जिनको आपको कलर करना है. इसको कैट्स लोग आजकल पालने लगे हैं, पेट एनिमल हो गया है. दिस इज कमेलियन, ये नहीं रहता, इसको कलर कर देंगे. आपके घर के अंदर नहीं रहता, वैसे गार्डन वगैरह में आपको ये मिल सकता है. नेक्स्ट, एलिफेंट बिल्कुल घर में नहीं रहता, वाइल्ड एनिमल है, इसको आप कलर कर देंगे. फिश, कई लोग फिश पॉट में घर में रख लेते हैं, इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हैं. एंड दिस इज डक, डक घर में नहीं रहती है, पॉन्ड में रहती है. तो यहाँ पे तीन एनिमल्स को तो आपको डेफिनेटली कलर करना ही पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एनिमल्स. यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स की इनकम्प्लीट अधूरी पिक्चर दी हुई है. कंप्लीट देम, इनको कंप्लीट करिए, एंड राइट देयर नेम्स, और उसके बाद आपको इनके नाम भी लिखने हैं. तो दिखाई तो दे ही रहा है कि ये डॉग है, ये फिश है, एंड ये कोई इंसेक्ट है, कॉकरोच हो सकता है ये, नहीं अगर आप इसमें यहाँ पे ये बना दें तो ये बटरफ्लाई भी हो सकती है, कॉकरोच ही है आई थिंक. एक सेकेंड, यस दिस इज अ कॉकरोच, ROACH. ओके, तो इनको आपको कंप्लीट करना है. फिर ऐसे इसके पैर बना दीजिए, देन ओके, तो इस तरीके से आपका कॉकरोच कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट, फिश टेल बची है आई थिंक इसकी, सिर्फ एक सेकेंड, ब्लैक ही ले लेते हैं. तो इसकी टेल बना दीजिए सुंदर सी, आपकी ड्राइंग आई एम श्योर ज़्यादा अच्छी होगी मुझसे, ऐसे करके. एंड आइज बची है, आइज बना दीजिए. ओके, सो दैट्स ऑल, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट इज अ डॉग, इस डॉग को इसके आगे के लेग्स हैं,
जो इनकम्प्लीट है. ओके एंड लाइक दिस. और टेल भी नहीं है, टेल भी आपको बनानी पड़ेगी इस तरीके से. ओके सो दैट्स ऑल. आगे आते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ. बनाना इज वॉट आई लव. यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, इनको आपको देख के ये कंप्लीट करना है. नीचे यहाँ पे इनके नाम भी ढूंढने हैं. तो सबसे पहले हैं, बनाना इज वॉट आई लाइक, आई लव ईटिंग. बनाना खाना मुझे बहुत पसंद है. आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग. मैं अपना टाइम जंप करने में, इधर उधर कूदने में, उछल कूद में लगाता हूँ. ये है मंकी, एम ओ एन के ई वाई. तो मंकी आपने यहाँ पे ढूंढ लिया. ऑन द वॉल वेब्स आई वीव, वॉल के ऊपर मैं जाले बनाती हूँ. वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव, जिनमें इंसेक्ट जो है वो चिपक जाते हैं और फिर छोड़ नहीं सकते. ये हैं स्पाइडर. तो यहाँ पर आप लिख दीजिए स्पाइडर, स्पाइडर. और यहाँ पे जो स्पाइडर है इसको ये ढूंढना है आपको. ओके ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है. आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जागा हुआ होता हूँ. एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और दिन में क्या करता हूँ, सोने के लिए जाता हूँ. ये है आउल, आउल. अब आउल कहाँ है, ये रहा ओ डब्ल्यू एल. नेक्स्ट इज क्रॉक, क्रॉक, क्रॉक इज माई साउंड. क्रॉक, क्रॉक मेरी साउंड है. इन वाटर और इन लैंड आई एम फाउंड, मैं पानी में या फिर आपको जमीन पर मिल सकता हूँ. ये है फ्रॉग, एफ आर ओ जी, फ्रॉग. ये रहा. नेक्स्ट इज आई अपियर आफ्टर रेनफॉल, मैं बारिश के बाद निकलता हूँ. हैव नो फीट सो आई स्क्रॉल, क्योंकि मेरे पैर नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉल करके चलता हूँ. ये है स्नेल, स्नेल अर्थवॉर्म भी हो सकता है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि अर्थवॉर्म है नहीं, स्नेल है आपका. ये रहा स्नेल, एस एन ए आई एल. ओके नेक्स्ट इज स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, मेरा जो पेस है वो धीरे चलना है, लेकिन स्टडीली मैं लगातार चलता रहता हूँ. आई ऑलवेज विन वेन देर इज अ रेस, और जब कभी भी रेस हो मैं हमेशा जीतता हूँ. ये है टॉर्टॉइज, आपने कहानी भी सुनी होगी ये टॉर्टॉइज और रैबिट की. टॉर्टॉइज ये पूरा नाम ही इसमें दिया होगा. ओके सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आप एक क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आपको ऐसी एक पहेली जो है वो दे दी जाएगी, फिर आपसे नाम पूछा जाएगा, तो इनको लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट ये एक एक्टिविटी दी हुई है, मैजिक विद फिंगर्स. आपको ये पेंट पिक्चर ड्रॉ करके फिंगर्स से इनमें कलरिंग करनी है. लाइक ये देखिए, ये फिंगर्स से इसके विंग्स बनाए हुए हैं थंब एंड फिंगर्स को यूज़ करके. तो ये आप अपने आप ट्राई करेंगे. और फिर कुछ और फन एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी हुई है. ओके अलग ये एक एनिमल बनाया है, जिसको जो फेस है वो एलिफेंट का है, डक का ये है, और आई थिंक डॉग्स के जो है वो इसको पैर लगाए हुए हैं. स्पेंड सम टाइम अंडर द ट्री, कुछ टाइम जो है वो पेड़ के नीचे बिताना है आपको. ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, केयरफुली एनिमल्स को ऑब्जर्व करिए, और फिर एनिमल्स के नाम लिखिए जो ब्रांचेस के ऊपर रहते हैं. ब्रांचेस के ऊपर रहते हैं आपके मंकी, देन स्क्विरल, देन क्रो. ऑन द लीव्स, पत्तियों के ऊपर जो आपको मिल जाएंगे एंट्स, देन क्रिकेट जो आपने देखा था, एंड लेडी बग. ऑन द ट्रंक, जो आपको ट्रंक के ऊपर मिलेंगे एंट्स मिल जाएंगे ट्रंक के ऊपर, टर्माइट्स एंड बीटल्स. ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर आपको डॉग्स, कैट्स, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म. अगर आप किसी गार्डन या किसी जंगल में जाते हैं, वहाँ की बात ही हो रही है. अराउंड द ट्री, ट्री के चारों तरफ क्या मिलेंगे आपको, स्क्विरल मिल जाएंगे, देन लिजर्ड मिल जाएगी, और कैमेलियन मिल जाएगा. ओके चलिए नेक्स्ट. नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, इन एनिमल्स को उनके साइज के ऑर्डर में आपको लगाना है. सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, एंड देन सबसे बड़ा, इस तरीके से. स्मॉलेस्ट बींग द फर्स्ट, सबसे छोटा जो है वो सबसे पहले आएगा. एनिमल्स कौन कौन से हैं जो आपने ऊपर जिनके नाम लिखे हैं उनको, तो सबसे छोटा है इनमें से टर्माइट, जिसको दीमक आप बोलते हैं ना, बहुत छोटी सी होती है. उसके बाद एंट्स आती हैं, बीटल, जो नाम लिखे हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ. उसके बाद कैटरपिलर आता है, अगर आपने लिखा हो, वो ट्रंक के ऊपर आपको मिल जाता है, पत्तियों के ऊपर मिल जाता है. देन कैटरपिलर से पहले फ्लाई आएगी, मक्खी छोटी होती है, फ्लाई. कैटरपिलर आई थिंक वी डिडंट राइट ऑल्सो, हमने लिखा भी नहीं है. देन उससे बड़ा होता है, उसके बाद आपकी लिजर्ड, लिजर्ड से बड़ी होती है स्क्विरल. मैं एक्चुअली नाम भूल गई हूँ, आप अपने आप देख के लिखना, सबसे छोटा बड़ा एंड्स इधर भी आ सकती है स्क्विरल. उसके बाद नहीं, स्क्विरल से पहले अर्थवॉर्म आना चाहिए था. दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ, ये आपको खुद करना पड़ेगा. आपने जो ऊपर नाम लिखे हैं ना एनिमल्स के, उनको आपको अरेंज करना है, सबसे छोटा सबसे पहले, फिर बड़ा, बड़ा सबसे बड़ा. जैसे कि आपने अगर ऊपर हमने लिखा था कैट, डॉग, डॉग सबसे लास्ट में आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा डॉग ही होता है. सो
इस तरीके से आपको सभी 15 नेम्स जो है वो कंप्लीट करने हैं. जिगसॉ पजल, दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप ही के लिए दिया हुआ है. जिगसॉ पजल, अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज टू रियली थिंक हार्ड टू फिक्स द पिक्चर, फिट द पिक्चर टुगेदर. ये एक ऐसी पजल है जिसमें कि आपको सोचना पड़ता है पिक्चर्स को किस तरीके से फिट करना है. यहाँ पर देखिए आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसको आपको कट करना है, उसके बाद अलग करके कार्डबोर्ड के ऊपर फिर से अरेंज करना है. सो दैट्स ऑल, ये था आपका चैप्टर. होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी वर्कशीट होगी जो कि हम बहुत जल्दी ही कवर करने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम.